जी सीन कुछ ऐसा है कि अगर वीडियो बंद हो जाए तो हम माज़रत ख्वाह हैं आपसे, बट कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे जी। तो आज हम रवाना हुए हैं, मैं और मेरे साथ है उमर चौधरी। आज हम जुल्लन अराइयां एक गांव है और कि उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें सीन कुछ ऐसे हैं, नीचे के भी सीन दिखा रहा हूं। ये देखें बहुत मुश्किल से ये देखें ड्राइव हो रही है और रास्ता बहुत ही ख़राब है। आपको दिखाते चले, जो हमारे साथ भाई थे उनका बहुत बुरा हाल हो चुका है, वो अभी अभी बाइक से गिरे हैं और उसके जो पीछे वाला लड़के है एक गाय का बच्चा है जिसे हम लेने के लिए जा रहे हैं। और यार देख के भाई क्या करी जा रहे हैं यार। और ये आपको दिखाएं यार, जाने दे ये यार, सिर्फ एक बाइक गुजरने का ये रास्ता है, उससे अलावा आप नेक्स्ट दूसरी बाइक नहीं गुजार सकते। एक वक्त में एक ही बाइक इधर से गुजर सकती है। तो ये आपको दिखाते चले, ये हमारे इधर भावल नगर की एक नहर है फोरटवा। ये फोरटवा नहीं है, ये सेम नहर है यार, वो फोरट नहर के साथ ही आता है। हाँ जी, किधर जाइए जी ऐसी बाबा जी? हाँ जी लाओ जी लाओ। अच्छा जी, ये देखेंगे आप, ये इसे कहते हैं फोरटवा नहर। ये यार ये नहर है, ये दरिया है, ये फोरटवा नहर है। अच्छा, ये आपने डंडा किस लिए पकड़ा हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, उमर भाई आपका जिक्र हो रहा है इधर। अबे साले जब ना, चाचा जी बड़ी मेहरबानी। चलें जी चलें, ओके जी। ये अभी इधर से दो नहर निकल रही हैं, एक ये फोर्ड नहर है। सूरज होता ना मैं यहाँ पे फोटोग्राफी करता। हाय, हेलो बच्चों, कैसे हो यार? आज कितना मजे का सीन है यार, सर्दी लग भी रही है और फिर भी मजा आ रहा है जी। ये मुझे लगता है कि जो उमर भाई हैं इनके बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका है। देखते हैं अभी ये क्या करेंगे। बाइक की हालत देखो, बाइक की तो हालत मैंने देख ली है। ये यार आप मुझे इसलिए लेके आए हो कि आपने मुझे जलील करना इधर लाके? सर काम किसके आए हैं यार? काम किसी के भी आए हैं, आप कम से कम अपने पेट्रोल तो देख लें बाइक में है भी या नहीं। वो तो हमसे काफी दूर तक पहुंच गए थे। इन भाइयों के पास पहुंच चुके हैं, इनके कोई रेफरेंस वाले हैं इधर गांव में, रास्ते में थे तो इनसे अभी रब्ता हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। तो सर्दी में इन्होंने हमारे लिए ये कुछ ऐसा इंतज़ाम किया है जिसकी वजह से हमारी सर्दी दूर हो सके। आग जला दी है और साथ में कह रहे हैं कि अभी चाय का प्रोग्राम भी है, तो इस सर्दी में तो चाय पीने का बहुत मज़ा आएगा। ये देखें चारपाई भी हमारे लिए मुसल्लत की गई है। और हाय, ये तो मज़े का सीन हो गया यार। आपके साथ इतनी गंदी होने वाली है या हो रही है? हो गई है यार। ये जी इनके घर का रखवाली एक टोमी है, ये देखे ये जाते हुए गुड बाय हमें करेगा, पता नहीं हमारी हम पहुंच चुके हैं अपने बच्चे की तरफ। तो ये देखें ये कुछ कर भी रहा है। क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, ये तो मूत कर रहा है। साले जब तो
ये इसको लेने के लिए हम लोगों ने आज सारा दिन जलीलो खबार हुए और चिक्कड़ ये वो बहुत कुछ हमने झेला और अब हम इसे लेने के लिए आए हैं। तो जो रिक्शे वाले भाई हैं वो कह रहे हैं कि इस टाइम ये नहीं जा सकता, तो लिहाजा ये है कि सुबह के टाइम इससे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लिहाजा कि आप खाली हाथ वापस जा सकते हैं। अल्लाह।